स्वागत है दोस्तों आपका एक और वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में जो है हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जान लिया था। अब हम उसके आगे के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँ कि आप हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट करने वाले, ध्यान देने वाली बातें हैं कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकंड पर्सन के प्रोनाउन एडजेक्टिव को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसमें क्या करेंगे, आप अपने मन में कोई भी ऑब्जेक्ट चुन लेंगे और उसे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रख देंगे। ठीक है, जैसे कि ही सैड आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, इसका क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग फॉर मी। यहाँ पर अपने मन से रखा गया जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मी है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है ही टोल्ड हर दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हर। आप चाहें तो मी की जगह हर भी, अपने मन से आप जो है कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पूरे वाक्य के अर्थ को समझते हुए ऑब्जेक्ट चुनें ताकि जो है उसका अर्थ वहाँ पर क्या हो जाए, अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यदि इन्वर्टेड कामा के भीतर संबोधन के रूप में कोई नाम हो तो उस नाम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक है, जैसे कि ही सैड इन्वर्टेड कामा में है, राम आई वांट टू हेल्प यू। ठीक है, तो क्या कर देंगे, ही टोल्ड राम दैट ही वांटेड टू हेल्प हिम। ठीक है, तीसरा है कि यदि इन्वर्टेड कामाज के भीतर ओ वेल ओके आदि शब्द हों तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, इनको जो है हटा देंगे। ठीक है, इनको उसमें रखेंगे नहीं। जैसे कि ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट, तो उसको क्या करेंगे, इसमें हटा देंगे। ही टोल्ड राम दैट ही कुड टेक इट। ठीक है, चौथा अगला है, रिपोर्टेड स्पीच वाक्य के शुरू में भी रह सकता है या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में वही पद पहले आएगा जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर है, जैसे कि आप पहले से करते आ रहे हैं। जैसे कि आई हैव कम्प्लीटेड माई जॉब ही सैड, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, वो जो है लास्ट में दे दिया है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है लास्ट में देते हैं, फिर भी हम इसको पीछे ही रखेंगे, शुरुआत में ही रखेंगे। जैसे कि ही सैड दैट ही हैड कम्प्लीटेड हीज जॉब। ठीक है, या आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू सी सैड टू मी बिकॉज यू आर माई नेबर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बीच में है, दोनों तरफ क्या है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच है, दो वाक्य हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी जो है रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले करेंगे। जैसे कि सी टोल्ड मी दैट सी वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी बिकॉज आई वॉज हर नेबर। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ हम स्पेशल रूल्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, यदि इन्वर्टेड कामाज के भीतर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय नीचे दिए गए नियम लगाएंगे। ठीक है, जैसे पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल देंगे। ठीक है, दूसरा है कि इन्वर्टेड कामा के बदले दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर वाक्य क्वेश्चन वर्ड जैसे कि वेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, विच, हाउ मेनी, हाउ मच इत्यादि शब्दों से अगर शुरू हो तो दैट की जगह प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड ही क्या कर देंगे, रख देंगे उसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, विल से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कामा के बदले इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला रूल ये है कि प्रयुक्त इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को आपको असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदलने और इनडायरेक्ट स्पीच की जो सामान्य नियम है उसे अप्लाई कर पूरे वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में इस प्रकार बदल लेंगे। पहले जैसे कि दिया डू यू ईट, तो इसको क्या बदलेंगे,
यू ईट या डू यू नॉट ईट तो क्या हो जाएगा यू डोंट ईट, या डज ही नो तो क्या हो जाएगा इसका ही नोज, या वेयर डू यू लिव का क्या हो जाएगा वेयर यू लिव, या फिर वेयर आर यू वेयर आर दे गोइंग का क्या हो जाएगा वेयर दे आर गोइंग। ठीक है, अब दोस्तों कुछ उसके एग्जाम्पल पर हम बातें करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या, ही सेज टू मी आर यू इल, क्या बनेगा इसका ही आस्क मी इफ आई एम इल। ठीक है, यहाँ पर जो है टेंस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि क्या है जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इनडिफिनिट में है, प्रेजेंट में कुल मिलाकर के। ठीक है, और आर से शुरू है इसलिए क्या हो जाएगा ये आस्क हो जाएगा। ठीक है, इफ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ही सैड टू मी आर यू इल, तो इसे क्या हो जाएगा मान लीजिए कि पास्ट में चला गया ये, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल। ठीक है, अब दोस्तों कुछ यहाँ पर जो है आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पर आप चाहें तो कर सकते हैं और आप कमेंट में कर सकते हैं, इसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जैसे कि ही सैड टू मी आर यू रेडी है, फिर ही सैड टू मी आर यू रेडी, या सी से टू राम हैव यू टाइम फॉर मी। दोस्तों इसमें जो है आप इसको दो हो गया तो इसको आप वाई कर दीजिए, ही सेज। ठीक है, आगे देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रायः ऑर्डर कमांड एडवाइज या रिक्वेस्ट का बोध होता है, पता चलता है। ठीक है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए नीचे दिए गए रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, पहला रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार टेल आस्क ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट सजेस्ट एडवाइज में बदल देंगे उसको। ठीक है, दूसरा ये है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य लगा दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्लीज़ काइंडली आदि शब्दों को क्या कर देंगे हटा देंगे। ठीक है, और चौथा रूल ये है कि इन्वर्टेड कामा को टू या नॉट टू में बदल देंगे अगर नेगेटिव है तो, और उसके बाद उपयुक्त वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दें, फिर पदों को जनरल रूल ऑफ नरेशन के अनुसार क्या कर देंगे रख देंगे। ठीक है, इस नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या है इसमें ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सेड टू मी को बदल देंगे ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा है द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग, ये क्या है ये एक एडवाइस है, सलाह है, तो क्या हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब एक और सेंटेंस है ही सैड रन, तो देख सकते हैं दोस्तों जो रन है अपने आप में एक रिपोर्टेड स्पीच ये सेंटेंस की तरह वर्क करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसे क्या बनेगा ही ऑर्डर्ड मी टू रन। ठीक है, अब देखते हैं इसका निगेटिव इम्परेटिव, अब इसमें जो है मना किया जाएगा इस सेंटेंस में, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, करें कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टू के बदले नॉट टू लगा दें, या रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल दें, जैसे कि नीचे के उदाहरण में दिया गया, आप देख सकते हैं। तो हम सेंटेंस बनाते हैं ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लास, तो क्या होगा इसका ही आस्क्ड मी नॉट टू शाउट इन द क्लास, या ही फॉरबिड मी टू शाउट इन द क्लास, फॉरबिड होता है मना करना। ठीक है, तो फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा फॉरबिड। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ही सैड डोंट मेक होगा यहाँ पर, डोंट मेक टू मच नॉइस चिल्ड्रेंस। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ही आस्क द चिल्ड्रेंस नॉट टू मेक टू मच नॉइस। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से जनरली जो है अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, इसके लिए जो पहले आप नियम पढ़ चुके हैं उन जनरल रूल के अलावा कुछ स्पेशल रूल हैं जो कि इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार कर्स, ब्लेस, प्रे, विश में बदल देंगे। ठीक है,
और दूसरा रूल है कि इन्वर्टेड कामा के बदले डैट लगा देंगे, ठीक है। और तीसरा रूल ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को असरेटिव सेंटेंस में बदल देंगे, अर्थात सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देंगे। फिर टेंस, पर्सन तथा अन्य पद का परिवर्तन सामान्य नियम के अनुसार कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि दे सेड मे गॉड सेव द किंग, क्या होगा, ही दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव द किंग, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ऐसे वाक्य में विश प्रे के बाद ऑब्जेक्ट जो है नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग न हो तो उस वाक्य में जोड़ दें और तब वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। जैसे कि दे सैड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो इसका क्या हो जाएगा, दे विश दैट देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। या एक और सेंटेंस हम देखते हैं कि द सेंट सैड गॉड ब्लेस यू, तो क्या हो जाएगा इसका, द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दोस्तों प्रायः खुशी, दुख, क्रोध, घृणा, आश्चर्य या प्रशंसा का भाव पता चलता है, ठीक है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए पहले बताए गए जनरल रूल के अलावा कुछ नए स्पेशल रूल हैं जिनके आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें पहला रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कॉन्टेम्प्ट, रिग्रीट, अप्लाउज में बदल देंगे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों किसके लिए क्या यूज होता है। तो मान लीजिए कि हर्ष, खुशी, उल्लास के लिए जो होगा एक्सक्लेम विथ जॉय, दुख के लिए हो जाएगा एक्सक्लेम विथ सॉरो, आश्चर्य या विस्मय के लिए हो जाएगा एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, या क्रोध के लिए एक्सक्लेम विथ एंगर, और घृणा के लिए एक्सक्लेम विथ कॉन्टेम्प्ट, और प्रशंसा के लिए एक्सक्लेम विथ अप्लाउज, पश्चाताप के लिए एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। अगला है कि इन्वर्टेड कामा के बदले दैट लगा देंगे, ठीक है। और इसमें मान लीजिए कि शब्द है कुछ आह, ओह, अलास आदि शब्दों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये सेंटेंस जनरली एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। जैसे कि डी है, अगला रूल है हम लोगों का कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। अगर इन्वर्टेड कामा के भीतर अधूरे वाक्य हों तो उनमें वर्ब तथा अन्य पद अपनी ओर से जोड़ दें ताकि उनमें जो भाव हैं वो आसानी से क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। तो दोस्तों पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना सीखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ठीक है। तो इसको अगर सिंपल में बदलेंगे असर्टिव में तो क्या हो जाएगा, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। दूसरा है कि व्हाट अ प्लेस इट इज, तो इसको बदलें तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी फाइन प्लेस या ब्यूटीफुल प्लेस, या कुछ भी आप अपने मन से अच्छा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है व्हाट अ फूल आई वाज, तो इसका क्या बनेगा, आई वाज अ बिग फूल। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल है ही सेड अलास आई एम रुइंड, क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम विथ सारो दैट ही वाज रुइंड, ठीक है। अगला है द बॉय सेड अलास माई कैट इज डेड, तो क्या होगा, यहाँ पर दुख का भाव प्रकट हो रहा है तो द बॉय एक्सक्लेम विथ सारो दैट हिज कैट वाज डेड। अगला है द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो इसमें क्या है, खुशी दिख रही है तो हो जाएगा द बॉय एक्सक्लेम विथ जॉय दैट दे हैड ओन द मैच। तो दोस्तों इतना ही जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो है सारे रूल्स हैं इसके, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसका अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप क्या करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।